अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ है चटपटी बिरयानी की रेसिपी। और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि प्याज 3 अदद, ये मैंने काट लिए हैं बारीक। फिर उसके बाद 5 से 6 टमाटर जो मैंने उसको काट दिया है। फिर हमारे पास है चिकन। फिर हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें हमारे पास पुदीना, हरी मिर्ची हैं। इसमें हमारे पास बादियान और कड़ी पत्ता है और गरम मसाला है। और ये हमारे पास है आलू बुखारा। और मैं ये मसाला यूज़ कर रही हूँ बिरयानी के लिए, बम्बई बिरयानी का ये शान का मसाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये यूज़ करती होती हूँ चिकन पाउडर, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और मुझे चाहिए उसके साथ ये वाइट सिरका, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये हमारे पास है इंग्रेडिएंट्स सारे जो हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने आयल को गर्म कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज में मसाले शामिल कर लिए, अब मैं इनको ब्राउन करेंगे। ये हमारे पास लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें करेंगे शामिल कड़ी पत्ता, बादियान, गरम मसाला और इनको मिट्टी हम ब्राउन करेंगे। हमारे पास ब्राउन हो गए हैं जितने हमें चाहिए थे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको भूनेंगे। इसमें अब नमक मिर्च वगैरह भी ऐड करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे। पानी ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं इतना ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद है सूख मिर्च, सूख मिर्च हल्की सी। फिर है हमारे पास हल्दी, थोड़ी सी हल्दी। अब हमारे पास है चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर आप जितना भी डालना चाहें उतना यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको मजीद एक देखते में मैंने 2 गिलास चावल भिगो के ठहरा दिए थे। अब मैं उनको बॉयल करने के लिए ठहरा रही हूँ। 2 गिलास के ऊपर मैं 1 गिलास के ऊपर 2 चम्मच नमक डालूंगी। 1 गिलास के ऊपर 2 आपने डालने हैं और ये 2 हैं तो मैं 4 डालूंगी। 2, 3 और ये हो गए 4। इनको अब मैं बॉयल करने के लिए ठहरा रही हूँ। 5 मिनट के दम के बाद अब हमारे पास टमाटर और प्याज बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। आप इसमें मैं चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन शामिल करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर उसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें आलू बुखारा। और अब इसमें साथ शामिल करूंगी बिरयानी का मसाला, जो शान का बिरयानी मसाला शामिल कर दूंगी। फिर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको मैं भूनने के लिए ठहरा दूंगी। जब बहुत अच्छे तरीके से भून जाएगा ये गोश्त और गल जाएगा तो फिर उधर हम चावल चेक करेंगे। अब हमारे पास बहुत मज़ेदार मिक्सचर तैयार हो चुका है। गोश्त भी गल चुका है, मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं इसके बाद चावलों को, कि चावल हमारे पास गले हैं या नहीं गले। चावल बॉयल हो रहे हैं, अब हम इनको चेक करते हैं कि गले हैं या नहीं गले। अभी हमारे पास ये नहीं गला। तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको दोबारा आप चला दें। बस दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, चावल भी गल गए हैं और मिक्सचर भी रेडी हो गया। अब हम लेयरिंग कर रहे हैं बिरयानी की। सबसे पहले देगचे में सारे के सारे चावलों की इस तरह आप लेयरिंग दे दें, फिर उसके बाद मिक्सचर हमने डालना है। सबसे पहले हमने ये चावलों की लेयर दी है, अब इसके ऊपर हम ये मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर सारा डालने के बाद
मतलब ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसकी लेयर कर रहे हैं सारी की सारी। अब हम जो चावल बचे हुए हैं इसके ऊपर सारे के सारे डाल देंगे। बीच में आप थोड़े से ये पुदीना और ये जो ग्रीन मिर्च है वो भी डाल लें। हमारे पास लेयरिंग हो चुकी है सारी की सारी। अब हम इसके ऊपर सारा सिरका डालेंगे। सिरका डालने के बाद हम अब कलर डालेंगे, फूड कलर। एक साइड में हम येलो कलर यूज़ करेंगे और दूसरी साइड पे हम रेड कलर यूज़ करेंगे। दम करेंगे। दम करने के लिए बच्चे का जो रखना हो उसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा लपेट के, कोई भी कपड़ा लपेट के आप उसको इस तरह दम पे रख दें और नीचे हल्की सी आंच लगा दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। दम करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आप ठहरा दें। अब आप इसको चेक करते हैं कि बिरयानी हमारे पास रेडी हुई है कि नहीं है। ये देखें हमारे पास बिरयानी तकरीबन ये रेडी हो गई है। बहुत प्यारा कलर आया इसका, बहुत ज़बरदस्त कलर आया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत ज़बरदस्त कलर आया इसका। बिरयानी रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनी है।